वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विद लम्हे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मावा मोदक बनाना बताऊँगी बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम मावा ले लिया है जिसको मैंने घर में ही बनाया है। और अब हम इसको क्या करेंगे, एक साइड रख देते हैं। और यहाँ मैंने ज़्यादा मीठा नहीं किया है, तो मैंने यहाँ 4 से 5 चम्मच भर के चीनी ली है। चम्मच हमारी थोड़ी सी बड़ी थी। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें ये चीनी डाल देंगे। हमें चीनी को कैरमलाइज नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे हम, ताकि जो चीनी है हमारी मेल्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो पिसी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ खड़ी चीनी का इस्तेमाल किया है, इसलिए थोड़ा सा दूध डाला है ताकि चीनी है अच्छे से मेल्ट हो जाए। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और थोड़ा सा डाल देते हैं फूड कलर, ताकि जो हमारे मोदक हैं बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर बने। और अगर आपके पास केसर है तो आप केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में भिगो के रख दीजिए और उसके बाद कलर आ जाएगा केसर का, बिल्कुल ऐसा ही कलर आएगा। तो मैंने फूड कलर डाला है क्योंकि मेरे पास केसर नहीं था। तो इसको हम बॉईल होने देते हैं और लो फ्लेम रखेंगे। ये देखिए, ये परफेक्ट तरीके से बॉईल हो चुका है, मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है परफेक्ट है। ये चीनी भी मेल्ट हो गई है। तो अब हमारा जो मावा था वो हम डाल देते हैं। मावा को मैंने घर में ही बनाया था। अगर आपको मावा की वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है कि मावा कैसे बनाया जाता है, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगी। और इस तरह से हमें इसको चलाते हुए अच्छे से कुक कर लेना है मावा को, और आजू बाजू जो भी लग रहा है इसको छुटाते जाएंगे हम अपने चमचे से। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। जो मावा के मोदक होते हैं वो बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। ये तो देख पाएंगे आप थंबनेल से ही, आपको पता चल गया हो कि हमारे जो मोदक हैं कितने प्यारे कितने सुंदर बने हैं। तो यहाँ ये देखिए, इसको इस तरह से हमने अपने मावा को कुक किया है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है, नहीं तो ये मावा है हमारा जलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी अच्छे से हमें इसको सेट करने की कंसिस्टेंसी पे लाना है। जब ये सेट होने के लिए तैयार हो जाएगा ना, मतलब मोदक बनाने के लिए, तो ये अपने आप से ही एकदम से कढ़ाई के जो पैन है उसको छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से हमें इसको लो फ्लेम पर कुक करना है। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मावा मोदक की रेसिपी कैसी लगी। तो ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। इसने कढ़ाई के तले को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और जब हम इसको ठंडा करेंगे ना तो जो और भी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, मतलब थिक हो जाएगा ये। और इस तरह से हमने ये रेडी कर लिया है, और बहुत ही इजी तरीके से मावा मोदक बन जाते हैं। और मैंने तो कुछ ज़्यादा ही आसान तरीके से आपको बताया है, पर आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। और थोड़े से डिज़ाइनर भी मावा मोदक बनाए हैं मैंने, तो डिज़ाइन किससे बनानी है वो भी हम वीडियो में बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। और ये लीजिए, अब हम इसको एक बाउल में निकाल देते हैं मावा को, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हल्का सा गुनगुना रहे तभी हम ये काम करेंगे, ताकि ये इसको जब हम सांचे में सेट करें तो ये बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हमने ये जो मोदक है, मावा है वो ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इधर देख लेते हैं। ये मैंने कोकोनट लिया था, ड्राई कोकोनट है, तो इसको मैंने लच्छे में स्लाइसिस में क्रस कर लिया है और कद्दूकस कर लिया है। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर आप कोई भी ले सकते हैं, जिस कलर से भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें उस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ड्राई फ्रूट कलर है, ये रेड वाला है, तो मैं इसमें वाइट में रेड ज़्यादा सुंदर लगेगा। और 2 से 3 ड्रॉप मैंने इसमें दूध की डाल दी है, और अच्छे से हम लच्छों के ऊपर कलर की कोटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा हमने कलर भी नहीं डाला है, बिल्कुल 1 पिंच कलर था। और अच्छी तरीके से हमारे जो कोकोनट लिया है उसके ऊपर नारियल की जो कोटिंग है वो हो चुकी है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। अब हम ये देखिए, हमारा जो मावा है वो भी ठंडा हो गया है।
अब हम इस तरह से एक सांचा लेंगे। मोदक का सांचा बाजार में किसी भी बर्तन वाले की दुकान पे ईजली मिल जाता है। अगर आपके पास सांचा नहीं है और आप बिना सांचे के मोदक बनाना चाहते हैं तो मैं अगला वीडियो ज़रूर बिना सांचे के ही बना के बताऊँगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे आपको ये रेसिपी हमारी जो है वो कैसी लगी और हमारे ये मोदक आपको कैसे लगे, क्योंकि पापा के आने का टाइम हो गया है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अच्छी सी एक रेसिपी डाली जाए मोदक की आपके लिए। तो मैं आपके लिए हर रोज़ कोई ना कोई नई वीडियो लेके आती हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इस तरह से दोनों पार्ट में हमने पहले लच्छे लगा लिए हैं कोकोनट के, और उसके बाद मैंने इसमें मावा सेट किया है। बहुत ज़्यादा नहीं सेट करना है क्योंकि थोड़ा सा ही करें ताकि ये जो सांचा है बंद हो जाए। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा कम मावा है तो आप इसको नीचे से भर सकते हैं। नीचे से ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं यहाँ से इस तरह से हम इसको बंद करेंगे और इस तरह से हम इसको दबा देंगे। अगर इसमें थोड़ा सा खाली दिख रहा है ना तो आप इसमें मावा और डाल सकते हैं इस तरह से, पर वो मैंने कोकोनट को अच्छे से सेट करने के लिए मैंने मावा लगाया था। तो इस तरह से बहुत ही आसान है मोदक बनाना, और ये देखिए ईजी तरीके से जो मोदक हैं हमारे बनके रेडी हो गए हैं। और ये देखिए कितना प्यारा मोदक बनके रेडी हुआ है हमारा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये आप देख पा रहे हैं ये जो कोकोनट की लेयर है, जो लच्छा है, कितना सुंदर दिख रहा है। तो इसी तरह से हमने सारे मोदक बना के रेडी कर लेने हैं। तो ये लीजिए हमारे जो मोदक हैं हमने इसी तरह से बना लिए थे। कितना प्यारा मोदक का कलर लग रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। सच में आप इस तरह से जो मोदक बना के गणपति बप्पा का भोग लगाएंगे ना तो सब लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये इस तरह से डिजाइन कैसे बनाई, आपने ये मोदक बनाए कैसे हैं। और मावा के मोदक हैं तो टेस्टी तो होने ही होने हैं, और इसी तरह से आप मोदक बना के पापा का भोग लगा सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।